बाजार में हैचबैक लेने निकले हो तो मारुति इतनी चॉइसेस दे देता है कि सर चकरा जाए। अब इसका प्राइम एग्जांपल है ये दोनों गाड़ियाँ। इनमें मिलता है सेम इंजन और लगभग एक जैसे फीचर्स। तो हम देखने जा रहे हैं इस प्राइस पॉइंट पर कौन सी गाड़ी बेहतर वैल्यू ऑफर करती है। अब कंपैरिजन के लिए हम वैगनार और स्विफ्ट का वो वेरिएंट लेंगे जिसकी प्राइसिंग सबसे ज़्यादा करीब है। अब क्योंकि वैगनार एक निचले सेगमेंट की गाड़ी है, आपको इसका टॉप मैनुअल वेरिएंट स्विफ्ट के मुकाबले काफ़ी सस्ते में मिल जाता है। यही नहीं, वैगनार को इंश्योर करना भी स्विफ्ट से थोड़ा सस्ता पड़ेगा। अगर आपको अपनी पुरानी पॉलिसी रिन्यू करानी हो तो आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और इंश्योरेंस पर बेस्ट डील्स पाइए। साइज के मामले में मारुति स्विफ्ट वैगनार से लंबी चौड़ी है और बेहतर व्हील बेस भी ऑफर करती है। हालांकि हाइट और बूट स्पेस वैगनार का बहुत बेहतर है। जितने डिफरेंट इन दोनों गाड़ियों के लुक्स और डिमेंशंस हैं, उतनी ही सिमिलर इन दोनों की इंजन ऑप्शंस। वेल, सिमिलर क्या, दोनों एक ही 1.2 लीटर इंजन ऑप्शन से पावर लेती हैं और कार देखो के परफॉर्मेंस टेस्ट में वैगनार और स्विफ्ट की परफॉर्मेंस भी लगभग सेम रही है। हैरानी की बात तो ये है कि हमारे माइलेज टेस्ट में स्विफ्ट ने वैगनार से बेहतर एवरेज दिया है। जब फीचर्स की ओर रुख करते हैं तब हमें दिखता है कि इन दोनों कार्स में बेसिक्स बखूबी कवर किए गए हैं। इन सब में शामिल हैं ऑडियो सिस्टम, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM जैसे फीचर्स। पर जब हम यूनिक फीचर्स की बात करते हैं तब इस प्राइस पॉइंट पर वैगनार बाजी मार जाती है, क्योंकि इसमें मिलते हैं फीचर्स जैसे फॉग लैंप्स, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, पावर फोल्डिंग आउटसाइड रियर व्यू मिरर और रियर सीट्स के लिए 60-40 स्प्लिट। स्विफ्ट लेने वालों को बस 3 यूनिक फीचर्स मिलते हैं, बट कुछ बायर्स के लिए ये भी बहुत ही जरूरी साबित हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कौन सी गाड़ी किसके लिए फिट बैठती है। शुरुआत करते हैं वैगनार के साथ। मारुति वैगनार सस्ती होने के साथ साथ ज्यादा फीचर्स भी ऑफर करती है। और तो और, वैगनार का व्हील बेस भले ही स्विफ्ट से कम हो पर हमारे कैबिन मेजरमेंट्स के हिसाब से ये अपने स्टाइलिश सिबलिंग से ज्यादा शोल्डर, नी और हेड रूम लेके आती है। और अगर आप यूजुअली ढेर सारा लगेज पैक करते हैं तो वहां भी वैगनार ही अव्वल नंबर पर आती है। जो लोग प्योर वैल्यू फॉर मनी कार देख रहे हैं, फैमिली यूज के लिए वर्सेटाइल कार चाहते हैं और लुक्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, उनके लिए एकदम सही चॉइस है मारुति वैगनार। अगर स्विफ्ट के प्लस पॉइंट्स की बात करें तो वो है इसकी लुक्स और हैंडलिंग। अगर आपको एक स्टाइलिश कार चाहिए जो घाट सेक्शंस पर आपको खुश रखे, वो है मारुति स्विफ्ट। बट इसके लिए आपको फीचर्स पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और उसके बावजूद वैगनार से लगभग 70,000 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। इन दोनों में से आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करेंगे, बताइए हमें कॉमेंट्स में। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कॉमेंट्स में डाल दीजिए, हम आपको जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और वो थम्स अप देना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।